उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में 12वीं के एक छात्र का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक छात्र के परिजनों ने जमीनी रंजिश में 3 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। 12वीं के छात्र की मौत से जुड़ा मामला थाना महाराजगंज के नरई गांव का है। यहां 18 वर्षीय छात्र मोनू का खून से लथपथ शव नाली में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के कई गहरे जख्म थे। यही वजह भी है कि परिजनों ने 3 युवकों पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को नामजद तहरीर दी है। दरअसल मृतक मोनू देर शाम शौच के लिए अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी बीच गांव की एक नाली में युवक के शव पड़े होने की सूचना ग्रामीणों ने मोनू के परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त 12वीं के छात्र मोनू के रूप में की। क्या बताए क्या हुआ, किसकी हत्या हुई है? हमारे छोटे भाई की। अच्छा, कैसे जानकारी हुई आपको, क्या हुआ? शाम का काम से कया हुआ थे। कहाँ पर? बल्ला के। क्या नाम था इनका? इनका नाम मोनू जो को सीखे जातमा भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? काम सीख के वहाँ शाम को वहाँ 7 बजे पहुँचे थे घर पर। तो घर पर पहुँचे हमारा बिटिया चोट के वहाँ टिफिन ले ली थी। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई नामजद तहरीर के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा भी होगा। और इसकी जो जांच पड़ताल की गई उसमें पता ये चला कि ये अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर लैट्रिन करने आया था। इसके बाद वहां पर इसको चोट लगी या क्या हुआ इस बात की भी पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाई है, किंतु वो शव पानी में उसका पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि वो डूब के मरा है, लेकिन उसको कुछ चोटों के निशान भी हैं। पूरी सही बात जानने के लिए उसके शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक के परिजनों द्वारा जो उसका दोस्त है उसको भी थोड़ी सी चोट लगी हुई है। उसके भाइयों पर शक व्यक्त किया गया है, उनको हिरासत में लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज़।